क्या बात है भाभी, भैया शरद से आ रहे हैं क्या? हाँ चाचा, आज पापा आने वाले हैं, तो इसलिए माँ पूरे घर को सजा रही है। वैसे भाई साहब तो दो दिन पहले आने वाले थे ना, आए नहीं क्या? हमारी उनसे बात हुई थी, किसी काम से आ नहीं पाए, वो आज आ रहे हैं। वो हेलो पापा, कहाँ रह गए आप? बेटा मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या, आप नहीं आ रहे? दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। हाँ, इसीलिए इस बार मेरी जगह तुम्हें लेनी होगी। हम आपकी जगह कैसे ले सकते हैं? तुम हमारे अभिमान हो, तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो हम कर सकते हैं, इसलिए इस बार घर के साथ साथ तुम हमारे फसलों का भी ख्याल करोगी। पर हम कैसे? चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ, वो से कुछ सामान भेजा है, तुम्हारा काम आएगा। क्या हुआ भाभी, भैया ने फिर से गोली दे दी क्या? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, चलिए हमें खेत भी जाना है अभी फसलों को देखने। अरे भाभी, मर्दों का काम मर्दों पे ही रहने दो, कहाँ चूल्हा चौका छोड़ के आप खेतों में जा रही हो। माँ ये क्या है? ये डब्बे में क्या भेजा है आपने? डिब्बा? अच्छा वो, हाँ। हमने अपनी सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ भेजा है। गुड़िया के लिए किताबें, तुम्हारे लिए साड़ी, और हमारे खेतों के लिए HPM का टाइफन। टाइफन? इसका क्या मतलब होता है? टाइफन मतलब तूफान। तो खेतों के लिए तूफान की क्या जरूरत है? ये तूफान खेतों के लिए नहीं, बल्कि उसमें लगने वाले कीड़ों के तूफान के साथ लड़ने के लिए। मतलब? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, ठीक उसी तरह कीड़ों के तूफान से HPM का टाइफन लड़ता है। अब समझे। क्या? यही कि अब आप एक महीना और मत आइए, तो भी मैं अकेले इस टाइफन के साथ अपनी फसलों का ख्याल रख सकती हूँ। फसलों में लगने वाले कीड़ों से लड़े ये तूफान, जो होने ना दे आपकी फसलों को जरा सा भी नुकसान। अरे वाह भाभी, आपने तो इस काम में हम मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो है, पर ये मैंने अकेले नहीं, HPM टाइफन के साथ मिलकर किया है। क्या बात है।